यूपी के जनपद संभल में कोरोना संकट से जंग के बीच भाजपा नेता एवं बिजोई के पूर्व चेयरमैन राजेश शंकर राजू सांसों के बड़े मददगार बनकर उभरे हैं। जिंदगी को ऑक्सीजन की तलाश कर रहे कोरोना संक्रमितों को पूर्व चेयरमैन ने निःशुल्क ऑक्सीजन बांटना शुरू किया है। जनपद संभल के कस्बा बिजोई में भारी तादाद में कोरोना के केसों के बाद पूर्व चेयरमैन राजेश शंकर राजू ने अपने मित्रों के सहयोग से मंत्रणा कर निःशुल्क ऑक्सीजन बांटना शुरू किया है। जनपद में ऑक्सीजन की किल्लत के कारण उत्तराखंड से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए हैं और बिजोई कस्बा एवं आसपास के कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन के जरूरतमंदों को बांटना शुरू कर दिया है। राजू और उनकी टीम के सांसों के इस मानदान को जहां सराहना हो रही है, वहीं जनपद के वे पहले राजनीतिज्ञ बन गए हैं जो ऑक्सीजन की मदद से को आगे आए हैं। सभी एक हमने टीम बनाकर अपने मित्रों के सभी सहयोग से एक यहाँ पर ऑक्सीजन की समस्या को देखा था। लोग बहुत पीड़ित हो रहे थे और अत्यधिक कष्ट होने के बाद में ये महसूस किया कि ऑक्सीजन की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। तो सभी लोगों से इकट्ठा करने के बाद में उत्तरांचल से गैस मंगाने का कार्य किया है और यहाँ पर निरंतर हम सब लोग गैस निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। आसपास में ग्रामीण क्षेत्र एवं आसपास के नगरीय क्षेत्र में भी हम गैस उपलब्ध करा रहे हैं।